Good मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. स्टार्ट करते हैं 30 सेकेंड्स में क्लास, है ना. गुड मॉर्निंग. आजा आजा जल्दी. सुप्रभातम सुप्रभातम. आशुष जी, सेकेंड पार्ट मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आज रात में करेंगे, है ना. आई एम गुड. आज रात में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी. हाँ बाबू, सनिधि काफी हो, है ना. चलो राम राम. चलो आते हैं, 15 सेकंड में स्टार्ट करते हैं, ठीक है. छोटा चैप्टर है आज, उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है ना. अभी 8 AM ही क्लास होती है मेरी रोज सुबह, ठीक है. कभी कभी 10 AM पे होती है. हाँ जी, आज एग्जाम्पलर वाला लेक्चर होगा 12 बजे यूट्यूब पे, ठीक है. सब लोग लाइव आ जाइएगा ताकि हम खत्म करें. आई लुक नॉटी. कुछ भी मतलब. चलो शुरू करते हैं, आ जाओ. हाँ चलो. हाँ 12 बजे YouTube पे क्लास है बाबू, आ जाइए. जेनेटिव क्वेश्चन कल. चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट. कॉफी अभी पिलाएगा कोई, कोई ना कोई पिला ही देगा. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है. जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो. नीट प्लस है मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है. जो 2021 और 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. 1 और 2 ईयर का प्लान ले सकते हैं, ठीक है. 1 ईयर का प्लान आपका 27,000 का आफ्टर डिस्काउंट पड़ेगा, 2 ईयर का 32,000. यूज रेफरल कोड आनंद, ठीक है. चल शुरू करते हैं हम लोग. बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. हाँ बायो अपडेट कर देंगे, गूगल शीट अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है. हाँ ठीक है. चलो देखो, तो बायोटेक्नोलॉजी और इस एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो कैसे तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी का काम करता है, कैसे सिस्टमैटिक काम करता है, क्या क्या भाई. तो जो भी माइक्रोब्स या जो भी ऑर्गेनिजम्स है इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन. चलो तो क्या है भाई, तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, पहला providing the best catalyst in form of improved organism, usually a microbes or pure enzyme. मतलब बताते बेटा बताते हैं, ठीक है. तो providing the best catalyst in form of improved enzymes, ठीक है. अब enzymes improvement के लिए यहाँ पे काम कर रहा है. दूसरा क्या कर रहा है, creating optimal condition through engineering for a catalyst to act. अब ये function करे एक optimum टेम्परेचर पीएच प्रेशर वगैरह सब में, ठीक. एंड तीसरा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करता है टू प्यूरिफाई द ऑर्गेनिज्म. तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करता है ताकि वो ऑर्गेनिज्म प्यूरिफाई होके रह सके, राइट. तो तीन काम किया, पहला क्या कैटलिस्ट का काम किया, दूसरा क्या ऑप्टिमल कंडीशन बनाया, तीसरा हम प्यूरिफिकेशन देख रहे हैं ताकि हम स्टेराइल माइक्रोबियल एनवायरमेंट का क्रिएट कर पाए, ठीक है. अब देखते हैं कैसे कैसे बायोटेक्नोलॉजी में काम करता है, ठीक है. तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर इंक्लूड्स, पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर पहला, ठीक है. एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या होगा, जैसे हम यूज करते हैं एक टमाटर का वैरायटी होता है, इसको हम कहते हैं फ्लेवर सेवर. नाम सुना है फ्लेवर सेवर. फ्लेवर सेवर में क्या होता है कि एक एक तुम्हारा टोमेटो का वैरायटी है जिसको हम कहते हैं पॉलीगैलेक्टुरिनेज, ठीक है. तो ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीगैलेक्टुरिनेज, ठीक है. ये क्या करता है, ये मेरा डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन कराता है, ये मेरा डिग्रेडेशन ऑफ, यार मेरा पेन थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा तो थोड़ा मैटर है ना, ये मेरा डिग्रेडेशन ऑफ
पेक्टिन कराता है, ठीक है। अब ड्यू टू दिस डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन, हाँ बिल्कुल, अब ड्यू टू दिस डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन क्या होता था, जो टमाटर था वो राइपन ठीक से नहीं होता था, जो टमाटर था वो राइपन मतलब जल्दी हो जाता था, ठीक है। अब अगर हम ये इंजाइम जो पॉलीगैलेक्टिनेज बना रहा था, अगर इस इंजाइम को हम खत्म कर देते हैं, मतलब इस इंजाइम को हम नहीं बनाने देते हैं, तो क्या होगा, जो इंजाइम मेरा पॉलीगैलेक्टिनेज बना रहा था, इस इंजाइम को हम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन डिले हो जाएगा, डिग्रेडेशन ऑफ, यार क्या हो गया, ऑफ पेक्टिन जो है ये डिले हो जाएगा, राइट हाँ एग्जैक्टली, ये डिले हो जाएगा। अगर इससे डिले हुआ तो क्या हुआ कि टमाटर ज्यादा दिन तक रहेगा, अगर ज्यादा दिन तक टमाटर ठीक रहा तो मतलब क्या है कि टमाटर की कॉस्ट ज्यादा बचेगी, है ना, टमाटर की कॉस्ट ज्यादा बच जाएगी, ठीक है, हाँ राइट राइट। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, तो इसी को हम कहते हैं फ्लेवर सेवर। बट अच्छा, क्या इसका मेरे बॉडी पे कोई नुकसान नहीं होगा, क्या मेरे बॉडी पे कोई नुकसान नहीं होगा, होगा एग्जैक्टली, मेरा बॉडी के पास भी कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो पेक्टिन और लिग्निन को डाइजेस्ट कर जाए, मेरे बॉडी के पास भी कोई एंजाइम नहीं है जो पेक्टिन और लिग्निन को डाइजेस्ट कर पाए, तो चलो ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं लिख पा रहे ना, अच्छा अच्छे से ही लिखते, पेन की प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, आज मैनेज करना पड़ेगा, बाद में बात करेंगे, ठीक है एग्जैक्टली। तो देखो हाँ, तो ये इसको हम कहते हैं पॉली गैलेक्ट्रोनस, जो फ्लेवर सेवर में आता है, ठीक है हाँ हाँ, कर लेंगे कर लेंगे, पॉली गैलेक्ट्रोनस जो फ्लेवर सेवर, हाँ ठीक है। अरे तो तुम लोग लिख लो ना भाई, सारे काम मैं ही करूं, हाँ लिख लो तुम लोग अभी क्लास में, जब मतलब कॉपी में अपने लिख लो, कहीं एक दिन लिख लोगे तो कुछ घिस थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो पहला आ गया एग्रोकेमिकल बेस्ड, ये बेटा रिमूव क्या करते हैं हम, इंसर्शन हटा देते हैं, या तुम्हारा जो एंजाइम कोड कर रहा है तो उस डीएनए सीक्वेंस या जीन को हटा देते हैं, ठीक है, उस जीन को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है हाँ राइट, ठीक है। तो एग्रो हाँ, इसको लिख लो, ये एनसीईआरटी में तुम्हारे नहीं दिया, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लेवर सेवर पे क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है हाँ। चलिए ठीक है, दूसरा हम यूज करते हैं हीरोडीन, दूसरा हम यूज करते हैं हीरोडीन। हीरोडीन क्या होता है, हीरोडीन तुम्हारा क्या करता है, हीरोडीन का काम क्या होता है बाबू, हीरोडीन का काम क्या होता है, थैंक यू बाबू, हीरोडीन का काम एंटी कोएगुलेंट, एग्जैक्टली, ये मेरा एंटी कोएगुलेंट होता है, और खास करके क्लॉट बस्टिंग वाले लोगों को दिया जाता है, ठीक है। अच्छा हम क्या करते हैं, ब्रासिका सीड नेपस या ब्रासिका सीड में, ठीक है, हम क्या करते हैं, ब्रासिका सीड में क्या करते हैं, इस जीन को डाल देते हैं। अच्छा इस जीन को डाले तो मतलब क्या हुआ, मेरा जो प्रोटीन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी हीरोडीन, जो मेरा प्रोटीन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी हीरोडीन, और इस हीरोडीन को हम इस सीड से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड इट इज यूज इन केस ऑफ मेडिसिन, राइट, इट इज यूज इन केस ऑफ मेडिसिन, हाँ यस यस यस, ठीक है। तो यार कैस्केड प्रोटीन बेटा, कैस्केड प्रोसेस होता है पूरा, एक प्रोटीन का सिस्टम का प्रोसेस होता है, इसका जो दो पाथवे है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें हम ये यूज किए, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तुम्हारा क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम डिजायर्ड वो यूज करते हैं बेटा, पॉली गैलेक्टोरिनेज, पॉली गैलेक्टोरिनेज, ठीक है। तो दो चीज हमने देखे, ये दोनों जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों जीएमओ है या जीएम क्रॉप है, ठीक है अभी आ रहे हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, और यही जो हो गया तीसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो हमने एग्जांपल देखा जेनेटिकली मॉडिफाइड वाले का, जिसमें विटामिन ए इनरिच राइस भी आ जाएगा, ठीक है, इसको हम गोल्डन राइस कहते हैं, इसको हम गोल्डन राइस कहते हैं, ठीक है। चलो
तो द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के पापा इंडिया में थे एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ठीक है। तो ही सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भी फूड सप्लाई तो इंक्रीज हुआ बट इट वॉज नॉट सफिशियंट कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से। तो हम लोग जेनेटिक ब्रीडिंग करने लगे और इस जेनेटिक ब्रीडिंग से हम डिजायर्ड प्रोडक्ट लेके आने लगे। राइट, एग्जैक्टली, थैंक यू बाबू। ठीक है, हाँ बेटा पापा, ये पूरा पूरा इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इंडियन ग्रीन, नोलार्ग अपना पूरा विदेशी हो गया। ठीक है, भारतीय पे भी बात कर सकते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, ये किसी ने मुझे कमेंट में भी लिखा था यूट्यूब पे, भाई इतना बुद्धि मेरे अंदर भी है। एनीवे चलो ठीक है। अच्छा, एग्रोकेमिकल्स आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। यूरिया जो खाद वाद यूज करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, प्लस ये नेचर को भी बहुत एडवर्स इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, ये नेचर को भी बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको बहुत दिक्कत होती है, प्लस प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे अगर मान लो यूरिया यूज कर रहे हैं तो यूरिया क्या करता है, कहीं लेक में यूट्रोफिकेशन बढ़ा दिया, ये वगैरह वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम्स कॉज करता है। राइट, तो इन सब चीजों से बचने के लिए ये काम आता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, पहला मेड क्रॉप टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब हार्श कंडीशन में भी ये क्रॉप्स ग्रो करने लगेंगे। तो कल को जो अभी जो वेदर चेंजेस या क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहा है तो उन क्लाइमेटिक चेंजेस में भी इनकी प्रोडक्टिव बनी हुई रहेगी। हाँ बेटा, सब्जेक्ट सब रोज कोर्स होता है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। तो अब पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स कम यूज करेंगे तो मेरे बॉडी पे भी इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। क्या होता है बाबू पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, क्या होता है पता है किसी को, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या होता है? सपोज मान लो हे, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली हे, हाँ हे, तो हे वगैरह क्या होता है कि हम एक धान की वैरायटी कहते हैं, गांव में जाओगे ना तो बोलते हैं बौना लगाया है। बौना मतलब क्या होता है कि छोटा साइज का वो वीट या वो होता है ना, तो उसको हम कहते हैं बौना। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इसलिए होता है कि कम कर देगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होगा तो क्या होगा, ग्रेन का साइज बड़ा होगा, प्लस हम उसको एग्जैक्टली तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के काम करते हैं। ठीक बेटा, गोल्डन राइस विटामिन ए इनरिच्ड राइस होता है, ये इसको हम कहते हैं विटामिन ए इनरिच्ड राइस होता है। तो क्या होता है कि बहुत डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पे लोग गाजर मूली नहीं खा सकते, तो अब क्या हुआ, चावल तो खा सकते हैं ना, तो उन चावल के हिसाब से वो काम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, प्लस इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस। कुछ ऐसे प्लांट्स हम बना देते हैं जिससे हम ये एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं मिनरल यूटिलाइजेशन का। इससे क्या फायदा होता है कि कम न्यूट्रिएंट्स में वो सरवाइव कर लेता है। ठीक है बेटा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस वो हुआ कि सपोज मान लो कि एक राइस का प्लांट है जिसका इतना बड़ा हे होता है और इतना छोटा छोटा दाना होता है, हम एक ऐसा प्लांट लगाए जिसका हे का साइज छोटा है और दाना का साइज बड़ा है, तो मेरा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ये हे का कॉइन कम हो जाएगा, तो इसको हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, हाँ जी। और लास्ट हो गया तुम्हारा विटामिन ए इनरिच्ड राइस जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा के देता है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस जीएम क्रॉप्स हैव नाउ बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज फ्रॉम स्टार्चेस फ्यूल्स एंड पैरासिटिक, मतलब स्पेसिफिकली हम इसी में काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो वैरायटी है बेटा, डेंजरस क्या होगा, कोई कुछ डेंजरस नहीं होगा ना। हाँ आज है एग्जाम्पलर की क्लास, ठीक है, कुछ डेंजरस नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करता है। तो इसमें ब्रेजीन, बेटा ब्रेजीन तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, वो सुक्रोज का कंटेंट होता है, प्रोटीन कंटेंट उसमें वो, मतलब वो बहुत ज्यादा होता है, स्वीटनर होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। हाँ जी ठीक है। अच्छा, पहला आते हैं बैसिलस थुरिंजेनेसिस बीटी कॉटन, पहला आते हैं बैसिलस थुरिंजेनेसिस या बीटी कॉटन। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो बेटा, एलर्जीज कुछ केसेस में कॉज करता है, कुछ लोगों को कॉज करता है, डिपेंड करता है ना। चल पहला आते हैं बीटी कॉटन,
एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजेनेसिस, जो एक प्रोटीन क्रिएट करता है जो इंसेक्टाइडल टॉक्सिन होता है, जो इंसेक्टाइडल टॉक्सिन होता है, एंड इट किल्स इंसेक्ट सच एज लेपिडोप्टेरेंस, ठीक है, कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है जिसको जिसको काम कर रहा है, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट। तो बैसिलस थुरिंजेनेसिस जो प्रोटीन होता है वो इंसेक्टाइडल टॉक्सिन प्रोटीन होता है, वो इंसेक्टाइडल टॉक्सिन प्रोटीन होता है, एंड इट इज एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, ठीक है, ये इट इज एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट जैसे वो इंसेक्ट के गट में जाता है, जैसे वो इंसेक्ट के गट में जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस एक्टिवेशन उसका एपिथीलियल लाइनिंग गट का फट जाता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि बीटी कॉटन में हम क्या करते हैं कि बैसिलस थुरिंजेनेसिस का क्राय जीन को हम इंसर्ट कर देते हैं। कहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं इसको, कॉटन में, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस करता है क्राय प्रोटीन, ये प्रोड्यूस करता है क्राय प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन इज एन प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन मतलब ये इनएक्टिव टॉक्सिन होता है, और ये जैसे ही एल्केलाइन गट में जाएगा, एल्केलाइन मिड गट में जाता है इंसेक्ट के, एल्केलाइन मिड गट में जाता है इंसेक्ट के, तो ये क्या हो जाता है, ये उसको रप्चर कर देता है, ये एक्टिव हो जाता है और उसका एपिथीलियल लाइनिंग को रप्चर कर देता है, जिससे मेरा इंसेक्ट मर जाता है, राइट। तो ये बीटी, अच्छा इसका फायदा क्या, हम डायरेक्ट पेस्टिसाइड डाल देते, इसका फायदा क्या है, अगर हम डायरेक्ट पेस्टिसाइड डाल देते तो क्या होता, प्लांट हार्म होंगे। देखो देखो देखो, हाँ एग्जैक्टली, पहला चीज क्या है कि जो पेस्ट है इससे रेसिस्टेंस नहीं होंगे उसके, एंड रेसिस्टेंस बच जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, ये होस्ट स्पेसिफिक है, ठीक है, मतलब कि अगर मान लो किसी एक इंसेक्ट को हमको मारना है तो उसी इंसेक्ट को मारेगा, इकोलॉजी पे इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ ये पेस्ट स्पेसिफिक है और होस्ट स्पेसिफिक है, मतलब एक ही इंसेक्ट को इफेक्ट करेगा या किसी उसी स्पीशीज को। तीसरा क्या है कि इकोलॉजी पे इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, इकोलॉजी पे इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए ये होता है बेटा गट पेट, है ना, राइट। ठीक है, तो व्हाई डज द टॉक्सिन डज नॉट किल द बैसिलस, बैसिलस को इसलिए नहीं मारता क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और जैसे ये एल्केलाइन पीएच ऑफ गट में जाता है तो इस पीएच को ये सॉल्यूबल हो जाएगा, एंड द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ द मिड गट ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड क्रिएट पोर्स कॉजेस स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली डेथ ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। तो कौन कौन सा क्राय है, तो दो तरह का क्राय जीन है, एक क्राय 1AC है, ठीक है, और एक क्राय 2AB है, और एक क्राय 1AB है। क्राय 1AB और 1 कॉर्न बोरर के लिए, क्राय 1AB जो है कॉर्न बोरर के लिए, 1AC और 2AB कॉटन बॉलवर्म के लिए, दोनों क्वेश्चन आता है, दोनों पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1AC और 2AB तुम्हारा कॉटन बॉलवर्म और क्राय 1AB कॉर्न बोरर, हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो इसमें आरएनए इंटरफेरेंस पे एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस पे, ठीक है। हाँ जी, इकोसिस्टम डिस्टर्ब इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि अगर इकोसिस्टम कैसे डिस्टर्ब होगा, समझो अगर इकोसिस्टम की हम बात करें तो इकोसिस्टम बेटा इंसेक्ट है दोनों ना। पीएच एल्कलाइन है, एल्कलाइन पीएच 7 से ऊपर होगा, ठीक है। हाँ गट पेट बेटा बताए तो।
किलिंग मैकेनिज्म बता दिए क्या करता है, वो मिड गट के एपिथीलियल लाइनिंग से बाइंड कर जाता है, इससे इसमें पोर्स क्रिएट होता है जिससे इसका सेल रप्चर करके फट जाता है और ये मर जाता है। ठीक है, हाँ चलिए आगे अगला बढ़ते हैं। अगला आते हैं पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज चैट मत करना अभी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, कोई अभी चैट नहीं करेगा थोड़ी देर, ठीक है, हाँ सुनो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो क्या होता है, बहुत स्मार्ट तरीका यूज करता है। देखो टोबैको प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है, ठीक है, जितना लोग तुम देखोगे ना, जितना एक्सपेरिमेंट होता है सारे कैश क्रॉप टोबैको कॉटन वगैरह पे होता है, क्योंकि इनसे आउटपुट ज्यादा आता है। तो टोबैको प्लांट का अगर यील्ड कम हो जाता है, क्या होता था कि एक निमेटोड था जो पैरासाइट की तरह काम करता था, जिसका नाम था माइलिनो डीजीन इनकॉग्निशिया, बड़ा अच्छा नाम था, ठीक, अरे ठीक है। अब ये जो माइलोडीन इनकॉग्निशिया है, ये टेक्निक यूज करता है, मतलब ये क्या करता था, ये टोबैको प्लांट के रूट में चला जाता था, ठीक है, और उसके रूट में जाके ये अपना डीएनए बनवाएगा, अपना डीएनए से अपना आरएनए बनेगा, और अपने आरएनए से इसको डिजायर्ड प्रोटीन मिल जाता था, इसको डिजायर्ड प्रोटीन मिल जाता था, ठीक है। निमेटोड का मतलब क्या बात कर रहे हो मानव यार, निमेटोड पढ़े थे ना तुम लोग, प्लैटिहेलमिंथेस निमेटिहेलमिंथेस, है ना, ठीक है। तो देखो तो क्या है, तो अनिमेटोड मिलोइडिजाइन इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट्स रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स एंड कॉजेस ग्रेट रिजेक्शन इन द यील्ड, ठीक है। तो हम क्या किए, एक नया स्ट्रैटेजी अपनाए कि नोवेल मतलब होता है न्यू, ठीक है, एक नया स्ट्रैटेजी अपनाए किए, ठीक है, जिसको हम आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। हम क्या किए कि अगर मान लो यहाँ पे मेरा टोबैको है, यहाँ पे मेरा टोबैको है जो डीएनए से आरएनए बना रहा है और आरएनए से प्रोटीन बना रहा है, अगर हम निमेटोड के आरएनए के स्पेसिफिक, ध्यान से सुनो, अगर हम निमेटोड के आरएनए के स्पेसिफिक, आरएनए के स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लगा दें, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लगा दे, तो क्या हो जाएगा, मेरा बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, एंड ड्यू टू दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ड्यू टू दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या हो जाएगा, ये साइलेंस हो जाएगा, ये साइलेंस हो जाएगा, ड्यू टू दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये साइलेंस हो जाएगा, एंड देर विल बी नो ट्रांसलेशन, देर विल बी नो ट्रांसलेशन, राइट, इस चीज को ध्यान रहे, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज हम यहाँ पे करते हैं, तो क्या किए, तो इन दिस आरएनए इंटरफेरेंस आरएनए टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ठीक है। तो दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, ठीक है। चलो समझ में आया, फिर से एक बार बताने, देखो क्या किए हम, जो निमेटोड था मेरा, निमेटोड जो था इसके स्पेसिफिक आरएनए हम डाल दिए, तो क्या हुआ कि निमेटोड का आरएनए प्लस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो था, इन दोनों को मिला के, ये दोनों मिला के मेरा बना देगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर बन गया तो इट वॉन्ट कोड फॉर एनी प्रोटीन, मतलब ये साइलेंस कर देगा, एंड इट वॉन्ट कोड फॉर एनी प्रोटीन, इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण ये तुम्हारा मर जाएगा, राइट। इस प्रोसेस को हम आरएनएआई कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस इज अ फिनोमिना दैट कैन बी सीन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इट इज नॉट सीन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इट इज सीन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। अच्छा, साइलेंसिंग में यही हो गया ना बेटा, कोई भी एमआरएनए का सिंगल स्टैंड है उस पे हम एक और स्टैंड लगा दिए तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, नाउ दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैन नॉट कोड फॉर प्रोटीन, सो दैट इज व्हाई उसको कहते हैं,
जीन में उसके डीएनए में डालेंगे, ठीक है ठीक है। एंड इट इज डन थ्रू ट्रांसपोजोन, इट इज डन थ्रू ट्रांसपोजोन्स, एंड ये ट्रांसपोजोन को हम कहते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट मतलब छोटे छोटे जीन के फ्रैगमेंट, ठीक है छोटे छोटे जीन के फ्रैगमेंट को हम ट्रांसपोजोन कहते हैं और इसकी वजह से ये जाता है, ठीक है तो इसको हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। तो द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस दैट हैज एन आरएनए जीनोम, मतलब कि हम रेट्रोवायरस के थ्रू डाल सकते हैं, और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन जो आरएनए इंटरमीडिएट पे रेप्लीकेट करे, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा, तो हम क्या किए यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का हम टीआई प्लाज्मिड लिए और इस टीआई प्लाज्मिड से नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल देते हैं, ठीक है। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज इन सच ए वे दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल, ठीक है। द टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्मड अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड इनिशिएटेड आरएनए इंटरफेरेंस दस साइलेंस द आरएनए, राइट दस साइलेंस द आरएनए। तो ये यहाँ पे काम कर दिया, तो क्या होगा इसकी वजह से इसका रूट प्रॉपर होगा और इसके रूट में कोई निमेटोड का इन्फेस्टेशन नहीं होगा और ये प्रॉपरली ग्रो करेगा, ये प्रॉपरली ग्रो करेगा, राइट। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से बता रहे हैं एक बार फिर से सुनो, ध्यान से सुनो क्या किए, हमको एक चीज पता है, मेरा ये मान लो अगर निमेटोड है, देखो ध्यान से सुनो आप बिना चैट किए, ये मान लो मेरा निमेटोड है, ठीक है। निमेटोड का कोडिंग सीक्वेंस था मान लो ए टी जी सी सी जी ए टी, ठीक है ये इसका डीएनए था, तो आर डीएनए का दूसरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा टी ए सी जी जी सी टी ए, ये मान लो डीएनए का सीक्वेंस है, ये मान लो डीएनए का सीक्वेंस है, इससे आरएनए बनेगा। आरएनए की अगर हम इसकी बात करें तो आरएनए क्या होगा, अगर मान लो ये 3-5 है और ये 5-3 है तो आरएनए क्या होगा सेम, आरएनए इसका कैसा बनेगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसा होगा टी के बदले क्या लगेगा ए सी जी सी यू ए, ये हो जाएगा तुम्हारा 5'-3', ये हो जाएगा तुम्हारा 5'-3', राइट। चल ये बहुत अच्छी बात है, ये हो गया तुम्हारा 5'-3'। टेम्पलेट का ऑपोजिट और ये सेम, ठीक है। ये मान लो सेंस आरएनए है, ये मान लो सेंस आरएनए है, अगर हम इसी डीएनए को रिवर्स करके डाल दें, अगर हम मान लो होस्ट में इसी डीएनए को इसी डीएनए के सीक्वेंस को हम रिवर्स करके डाल दें, मतलब अगर मान लो 3'-5' को हम अगर कर दें टी ए सी जी जी सी टी ए, मान लो इसको हम रिवर्स करके डाल दें 3'-5' और 5'-5', ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका आरएनए का सीक्वेंस इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में इन दोनों को आपस में मिल जाएगा और ये बना देगा मेरा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, एंड ड्यू टू दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या होगा प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ड्यू टू दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या होगा प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो काम नहीं चलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ वाला है ना बेटा, तीन बार एक्सप्लेन कर दिया, जिन जो अभी आए हैं वो बाद में देख लें, ठीक है हाँ। तो ये आ गया एग्जैक्टली, तो इसको खाना नहीं मिलेगा और ये मर जाएगा, इसको खाना नहीं मिलेगा और ये मर जाएगा। चलो अगला आते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ठीक है। तो सुनो देखो, अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन में क्या होता है कि हमारे एक चीज थे जिसका नाम था एली लिली, एक कंपनी था जिसका नाम था एली लिली। तो देखो एक पहले आए थे सर एडवर्ड शार्पी। तो सर एडवर्ड शार्पी ने कहा कि बेटा रिफ्रेश करो, सर एडवर्ड शार्पी ने कहा कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं एंड इसमें मेरा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, इसमें मेरा
इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था बैंटिंग एंड बेस्ट, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट किया इंसुलिन को फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ पिग के और डॉग के पैनक्रियाज से इंक्लूड किया, ठीक है। बट पॉइंट क्या था कि पिग और डॉग का जो पैनक्रियाज से इंसुलिन निकाल रहे थे वो बहुत ज्यादा खराब था, मतलब पॉइंट था कि उसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि हो सकता है उस कुत्ते को कोई बीमारी हो सकता है वो कुत्ते को कुछ पिग को एलर्जी डेवलप कर लेता था, ऑटो इम्यूनिटीज होता था, बहुत दिक्कत होता था, ठीक है। हाँ ठीक है, तो एक नया तरीका लेके आई एली लिली। हमको ये पता था कि हमारे बॉडी में एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में तीन काम होता है, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी एंड फ्री पेप्टाइड, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी और पेप्टाइड सी, ठीक है। तीन पेप्टाइड होता था, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी और पेप्टाइड सी, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम अगर एक ई कोलाई लें, अगर मान लो हम एक ई कोलाई लें, ठीक है, और इसमें एक ए जीन बनाए जो मेरा ए प्रोटीन को कोड करेगा, एक तो मेरा पेन नहीं चल रहा यार, जो मेरा ए प्रोटीन को कोड करेगा, और दूसरा हम बी जीन लें जो मेरा बी प्रोटीन को कोड करेगा, राइट, और हम इस ए प्रोटीन और बी प्रोटीन को जोड़ दें बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, इन दोनों को हम जोड़ दें बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो हमको मिल जाएगा मेरा मैच्योर इंसुलिन या एक्टिव इंसुलिन। तो इसी तरीके से हम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो कभी भी इंसुलिन को देखोगे ना ठंडे उसमें रखते हैं, कभी भी इंसुलिन को हम देखेंगे तो ठंडे उसमें रखते हैं, कभी देखोगे ना इंसुलिन को बॉक्स में, आइस बॉक्स में रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि इनका बॉन्ड ना टूटे, ठीक है, ताकि इनका बॉन्ड ना टूटे। हाँ एग्जैक्टली राइट, हाँ आज इतने सीरियस, यार सीरियस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सीरियस नहीं है, एक सेकंड रुकना बस। हाँ अच्छा, हाँ बेटा होगा स्वप्निल, जो भी क्लास होते हैं मैं आपको उसमें भेज देता हूँ, ठीक है। हाँ बेटा, प्रो इंसुलिन में तीन बॉन्ड था, ए बी और सी, और ह्यूमन इंसुलिन में दो बॉन्ड था, ठीक है बेटा। इट डजेंट ब्रेक इन बॉडी, बॉडी में भी तो कम ही है ना, बॉडी में तो कम क्वांटिटी में ही है तुम्हारा, ठीक है। एक सेकंड रुकना बच्चों, कोई केस आ गया है हॉस्पिटल में, एक सेकंड दे दो मुझे। हाँ सॉरी, अरे यार हम लोग के यहाँ ना शब्दजंग में ही ना सारे उसमें है ना, शब्दजंग में ही सारे केसेस हो रहे हैं ना, उसमें जो भी ये सारा जो कोरोना का है सब कुछ क्वारंटीन शब्दजंग में ही हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, अभी आज का काउंट बढ़ गया, आज टोटल जो यहाँ पे काउंट आ गया दिल्ली में आ गया 26। कोई नहीं छोड़ो, नहीं अभी नहीं जाना, कोई नहीं टेंशन, मतलब हाँ भेजो, तुम लोग को भेजो ही हमको 21 और 30 माइनस 8, ठीक है, 21 और 30 माइनस 8 का होता है ए और बी, चलो ठीक है राइट। तो ये तुम्हारा ह्यूमन इंसुलिन हो गया है ना, तो क्या हुआ, तो ये तुम्हारा ह्यूमन इंसुलिन हो गया। कंपनी का नाम है एली लिली। और ये कब किया था, ये किया था 1973 है कि 1983 है
1973 है कि 1983 है ना, हाँ 1983 में एली लिली किया था, ठीक है, 1983 में एली लिली किया था, ठीक है, अमेरिकन कंपनी इसने क्रॉस किया, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं किया हम, क्या किए हम होस्ट में एक, अरे सुनो, 21 अमाइनो एसिड का ए चेन होता है, ये 21 होता है और ये 30 होता है, ठीक है। कहां तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर हाई है भाई, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, कैसे तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया, है ना। तो ये चलो, हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो हो गया हो गया हो गया, चलो आगे आगे, हाँ ठीक है। अब अगला आते हैं जीन थेरेपी। अब ध्यान से सुनो, अब ये और इम्पोर्टेंट है, ये इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एनसीईआरटी थोड़ा गंद मचा दिया, यहाँ पे एनसीईआरटी थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तो इसको ध्यान से सुनना। देखो क्या किया, अरे यार आर्टिफिशियली किसी भी को हाइड्रोजन बॉन्ड से बनाओगे, कॉमन सेंस यूज करो, कोई भी आर्टिफिशियल बॉन्ड तुम बना रहे हो तो वो जल्दी टूटेगा, बॉडी में तो इनएक्टिव स्टेट पे रहता है ना, उसके बाद फिर आ जाता है। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ, काम काम करते हैं यार। अरे जो तुमको नहीं जानना उतना हम बता दिए, ठीक है, जितना जानना है आपको इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक, टेंशन मत लो, चलो आओ। अब बेटा 40 दिन बचा है, मेरे बारे में बाद में जान लेना, ठीक है, अभी 40 दिन बचा है, इस पर ध्यान दो। ये 42 दिन, 42 डेज बचाओ ना, हाँ तुम लोग का अलग शौक है भाई। पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल है नीट प्लस, जहाँ पे मिलेगा। सही बेटा, जबरदस्ती का इमोजी मत भेजो। हाँ चलो आओ यार, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट कर देते हो। देखो क्या था, एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं जीन थेरेपी, देखो। अरे एक तो पेन यार, सुनो देखो क्या होता है, लिखना पॉसिबल नहीं है, इसी तरह से काम चलाना पड़ेगा। तो बहुत सारे जीन होते हैं जिसको जिसको एक बीमारी होता है, इसको हम कहते हैं स्किड, सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ठीक है। स्किड में क्या होता है कि एक एंजाइम होता है, इसको हम कहते हैं एडीए डिफिशियंसी, एडिनेज एडिनोसिन डीएमआईनेज मेरा काम करता है, ये काम क्या करता है, ये तुम्हारा काम करता है इसके लिए, ये तुम्हारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो चलो, तो क्या किया, क्या किया कि सपोज स्किड में पहला क्लिनिकल ट्रायल किया था 1990 में, 4 साल के बच्चे पे, क्या किया, विथ एडीए डिफिशियंसी, क्या किया, दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट करता है एडीए, ठीक है, एडीए मेरा मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट करता है। नाउ दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डीएमआईनेज, ठीक है। इन सम चिल्ड्रन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। देखो अब यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन परमानेंट क्योर नहीं होता, बट टेक्निकली बात करोगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज अ परमानेंट क्योर, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अब एनसीईआरटी माता कहती है तो मानना पड़ेगा, ठीक है। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, कुछ और ऑर्गेनिजम्स में इसको हम ट्रीट करते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले में हम क्या हुआ कि हम एंजाइम डाले, फंक्शनल एंजाइम डाल दिए, दूसरे में क्या किया, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम फंक्शनल एडीए डाल देते हैं पेशेंट को इंजेक्शन से, इसको हम कहते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दोनों के केस में क्या है, दोनों के केस में क्या है, दोनों के केस में क्या है कि इस दोनों केसेस में परमानेंट क्योर नहीं होते अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट टेक्निकली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी परमानेंट है, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी शुड हैव बीन अ परमानेंट, बट कोई बात नहीं, अब एनसीईआरटी माता जो बोलती है उस पर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस आर दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। एज द फर्स्ट स्टेप जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी, अ फंक्शनल एडीए जीन इज गिवन इन द लिम्फोसाइट्स एंड इट इज सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। तो क्या किए, देखो सिंपल सा चीज क्या किया कि हम लिम्फोसाइट लिए उसका, ठीक है, इस लिम्फोसाइट में
रेट्रोवायरस के थ्रू, इस लिम्फोसाइट में रेट्रोवायरस के थ्रू हम डिजायर्ड जीन डाल दिए, हम डिजायर्ड जीन डाल दिए। डिजायर्ड जीन क्या, एडीए जीन डाल दिए, एडीए जीन, ठीक है। तो अब ये जो लिम्फोसाइट है, अब ये जो लिम्फोसाइट है मेरा, वो एडीए प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये चीज, बट ये परमानेंट क्योर क्यों नहीं है, क्योंकि जो लिम्फोसाइट है मेरा वो इमोर्टल नहीं होता, मर जाएंगे सेल्स, तो हमको कुछ कुछ टाइम पे ये फिर से डालना पड़ेगा, हमको कुछ कुछ टाइम से ये फिर पे डालना पड़ेगा, राइट। तो हाउएवर दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल, द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। हाउएवर, अब यहां पे एक लाइन देखो ध्यान से, हाउएवर इफ जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इन टू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। अब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, जब बोन मैरो हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस ट्रांसप्लांटेशन में भी, उस ट्रांसप्लांटेशन में भी हम क्या करते हैं कि उस ट्रांसप्लांटेशन में भी हम वो डाल देते हैं, मतलब कि हम जीन निकाल के एम्ब्रियोनिक स्टेज से डाल देते हैं, ठीक है। तो ये काम करते हैं, एग्जैक्टली। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी तो नया ही जीन डाल रहे, सपोज मान लो कि हम कोई भी बॉडी लिए, मतलब मान लो ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी है, ठीक है, मान लो कि इसका बोन मैरो हम इसमें डाल रहे हैं, तो भाई इसका तो लिम्फोसाइट काम कर रहा था ना, तो ये नया लिम्फोसाइट बनाएगा, राइट। तो इस केस में ये आ जाता है, बट चलो एनसीईआरटी कहती है तो एनसीईआरटी के हिसाब से हमको पढ़ना होगा, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है तो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना होगा, तो लिख लो कि टेम्पररी क्योर में दो काम आ गया, टेम्पररी क्योर में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेम्पररी क्योर में दो चीज आ गया, पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट, दूसरा इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। परमानेंट क्योर में क्या आया, परमानेंट क्योर में क्या आया कि हम जीन आइसोलेटेड फॉर एडीए को कहाँ डाल दिए, हम इसको डाल दिए बोन मैरो में, कब, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, बोन मैरो में डाल दिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बेटा बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज अ वेरी टफ प्रोसेस, अगर इसमें से करना होगा तो इंजाइम रिप्लेसमेंट ही करेंगे, क्योंकि हर बार बोन मैरो हम कहां से लाएंगे, ठीक है, हर बार बोन मैरो हम कहां से लाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब कौन तुमको अपना बोन मैरो हर बार देगा, राइट। तो इसलिए इस केस में, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब भी करते हैं तो टोटल बॉडी इरेडिएशन करना होता है, मतलब तुम्हारा इम्यून सिस्टम को हम पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर उसके बाद डालते हैं, ठीक है। हाँ, अगला बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, अगला बात करते हैं। बेटा बेनिफिशियल पूछेगा तो भी वही है ना, सेम ही होगा तुम्हारा, तीनों बेनिफिशियल है ना, तीनों क्योर है तो तीनों बेनिफिशियल है ना। अगला बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम दो तरह का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करते हैं, एक होता है पीसीआर, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, यही पीसीआर हम यूज कर रहे हैं अभी जो कोरोना वायरस के चेकिंग में, ठीक है। क्या करते हैं हम, जीन का सीक्वेंस देखते हैं, कौन सा जीन का सीक्वेंस, और उसी के चेकिंग में हम कोरोना वायरस के चेकिंग में पीसीआर यूज करते हैं, ठीक है। डेंगू के लिए हम पीसीआर यूज करते हैं, राइट। दूसरा होता है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। एलाइजा में क्या होता है कि हम एंटीजन एंटीबॉडी चेंजेस देखते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन देखते हैं। तो अगर मेरा बॉडी कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है तो हमको पता चल जाएगा कौन सा स्पेसिफिक एंटीजन होता है, राइट। हाँ, तो एलाइजा एड्स के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं। एक्चुअली देखो पीसीआर भी तुम एड्स के लिए यूज कर सकते हो, एलाइजा भी एड्स के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हाँ, नहीं एलाइजा के टाइप नहीं करने बेटा, ठीक है। पीसीआर में क्या होता है, देखो पीसीआर में क्या होता है, कोई भी बीमारी, सपोज मान लो ना कि यहाँ पे तुमको एक छोटा सा कोई चीज, ये फोन है, इस पे एक छोटा सा वायरस ढूंढना है, तो क्या करोगे तुम, इसको माइक्रोस्कोप में लगा के बड़ा करके देखोगे। तो पीसीआर में बेसिकली वही करते हैं कि हम उसका जो जीन सीक्वेंस है उसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। पीसीआर में जो होता है जीन सीक्वेंस को एम्पलीफाई कर देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि वो जीनोम सीक्वेंस कहाँ पे है, ठीक, एग्जैक्टली। तो ये पीसीआर में करते हैं।
एलाइजा में क्या करते हैं कि हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग से प्रोटीन बनाते हैं, मतलब जो एंटीबॉडी का प्रोटीन है हम उस प्रोटीन को चेक करते हैं। तो अगर हमको पता चल गया कौन सा एंटीबॉडी बन रहा है तो हम उसके स्पेसिफिक एंटीजन का ही पता लगा लेंगे। हमको उसको पता चल रहा है कौन सा एंटीबॉडी तो उसके स्पेसिफिक हम एंटीजन को ही पता लगा लेंगे, तो ये काम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है बेटा, वेस्टर्न नहीं नहीं वेस्टर्न ब्लॉटिंग कैसे करोगे बाबू? वेस्टर्न ब्लॉटिंग तो यही हो गया ना, वेस्टर्न ब्लॉटिंग तो एलाइजा का पार्ट हो गया। ठीक है, पीसीआर करते हैं जनरली। अभी जो किट आ रहा है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग किट होता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग किट में हम प्रोटीन मार्कर्स लगा देते हैं। ठीक है, तो कोरोना का जो ऊपर वाला ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है हम उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर का मार्कर लगा के देखते हैं। ठीक है, चल तो ये आ गया तुम्हारा एक ऐसा। ठीक है, एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, जो भी उसका प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन है, और बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के हिसाब से काम करते हैं। देखो, सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए, नदर्न ब्लॉटिंग आरएनए एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का टेक्निक, सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए, नदर्न आरएनए और वेस्टर्न प्रोटीन। प्रोब होता है रेडियो एक्टिव लेवल डीएनए, ये अभी हम पढ़ाएंगे। रेडियो ह्यूमन डीएनए सिक्वेंसिंग पढ़ाएंगे तो आ जाएगा। रेडियो एक्टिव लेवल डीएनए को हम प्रोब कहते हैं। अब आते हैं ट्रांसजीनिक एनिमल्स, हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं ये ट्रांसजीनिक एनिमल्स। सबसे पहला क्यों करते हैं? पहला, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। हम किसी ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक बेटा, लिखेंगे तुम लोग लिख लो ना भाई, यार मेरा पेन ठीक से नहीं चल रहा। सदर्न ब्लॉटिंग इज फॉर डीएनए, नदर्न ब्लॉटिंग इज फॉर आरएनए एंड नहीं ईस्टर्न नहीं होता, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज फॉर प्रोटीन। हाँ जी हाँ जी, आज होगा तुम लोग को यार सब कुछ मिल जाता, सारा नोटिफिकेशन नीट प्लस पे हम भेज ही देते हैं ना, क्यों इतना सवाल जवाब करते हो? ठीक है, तो ट्रांसजीनिक एनिमल क्या होता है? ट्रांसजीनिक एनिमल्स का काम होता है जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम ट्रांसजीनिक एनिमल कहते हैं, जो हम अपने हिसाब से अपने यूटिलाइजेशन के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ या फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए हम ट्रांसजीनिक एनिमल कहते हैं। टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, मतलब मान लो कि कोई जानवर है तो ड्रग ट्रायल वगैरह के लिए हम ये यूज करते हैं, ड्रग ट्रायल वगैरह के लिए हम ये यूज करते हैं और उसका फिजियोलॉजी देखते हैं। ठीक है, दूसरा स्टडी ऑफ डिजीज, मान लो कि हमको कोई एक नया मेडिसिन पढ़ना है, हमको मान लो कि कुछ एक पढ़ना है कि भाई सिस्टिक फाइब्रोसिस का इलाज कैसे करना है या किसी और चीज के बारे में पढ़ना है, तो ये सब चीजें हम कैसे पढ़ेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम स्टडी ऑफ डिजीज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लो अल्जाइमर्स हमको पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, चूहा बनाएंगे जो जिसके पास अल्जाइमर्स है। ठीक है, हम चूहा बनाएंगे जिसके पास अल्जाइमर्स है, उसके बाद हम उस पर दवाई डाल कर चेक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हाँ ठीक है, तो ये हम काम करते हैं। देखो, ड्रग ट्रायल का कुछ सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम करते हैं चूहा में, ठीक है मैमल्स है, ठीक है चूहा में करते हैं, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम करते हैं तुम्हारे मंकी में, और उसके बाद ये चला जाता है इंसान में, ये ड्रग ट्रायल का ये आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जाता है ह्यूमन में। ठीक है राइट, अच्छा पता है ड्रग ट्रायल का एक सीक्वेंस बताते हैं। कभी भी कोई ड्रग ट्रायल करते हैं तो दो चीज लेते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल ग्रुप होता है और दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है। हमेशा याद रखना, कभी भी कोई ड्रग ट्रायल होता है तो एक नॉर्मल ग्रुप होता है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है, कोई भी ड्रग के लिए। ठीक है, अब नॉर्मल ग्रुप वाले को नहीं पता रहता उसको दवाई दे रहे हैं कि प्लेसिबो दे रहे हैं, और कंट्रोल ग्रुप वाले को भी नहीं पता होता उसको दवाई दे रहे हैं कि प्लेसिबो दे रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप वाले को हम कोई दवाई नहीं देते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और नॉर्मल ग्रुप वाले को हम दवाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये चेक करना होता है प्लेसिबो इफेक्ट का कितना रोल होता है। ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट का कितना रोल होता है हम ये भी चेक करते हैं, तो ये भी होता है। प्लेसिबो इफेक्ट होता है बाबू, प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है कि नकली इफेक्ट, सपोज मान लो
क्या हुआ था कि मान लो मेरे सर में दर्द है, ठीक है, हम क्या किए कि जैसे होम्योपैथी दवाई खाते हो ना, होम्योपैथी दवाई का जो इफेक्ट होता है प्लेसिबो ही होता है, तुमको लगता है कि हाँ तुमको लगेगा कि इसमें भाई कैसे काम कर रहा है, मतलब कि सपोज मान लो कि हम बोले कि देखो बेटा ये पानी में ना, ये पानी में टॉनिक डाला हुआ है, ठीक है, और तुम पी लो तुमको ताकत आ जाए, तो तुम्हारा बॉडी ऐसा ज्यूम करेगा कि तुमको ताकत आ गया है, इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली, आरएनए होता है बेटा कोरोना का जेनेटिक, है ना, एग्जैक्टली। तो तुम्हारा बॉडी तो इस पे प्लेसिबो, तो मेरा बॉडी उसी काप से, मतलब अगर मान लो हम तुमको बोल दिए कि सर दर्द हुआ है, हम ऐसे ही तुमको कोई लेमन जूस पकड़ा दिया और बोले बेटा ये दवाई है खा लो, ठीक है, हाँ पैरासिटामोल की जगह व्हाइट पाउडर दे दिए, तो तुमको लगेगा कि अरे हाँ, मेरे कुछ तबीयत ठीक लग रहा है मेरा, तो इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो इसको हम कंट्रोल ग्रुप पे रखते हैं कोई भी ड्रग ट्रायल में, ठीक है। हाँ, फॉल्स प्रेगनेंसी कैसे होता है भाई अंकिता, है ठीक है। तीसरा होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तीसरा होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो हम अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन इम्फाइसेमा के लिए ट्रीट करने के लिए बनाते हैं, फिर फिनाइल किटोनोरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए ट्रीटमेंट बन रहा है, पहला ट्रांजिनिक काउ रोजी जो लगभग 2.4 ग्राम मिल्क पर लीटर दे रही है, 2.4 ग्राम मिल्क पर लीटर देती है, विच इज अ प्रोटीन इनरिच, प्रोटीन इनरिच मिल्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। पहला ट्रांजेनिक एनिमल एंडी था, पहला ट्रांसजीनिक एनिमल इट वॉज एंडी, ये मंकी था, ठीक है, पहला ट्रांसजेनिक एनिमल एंडी था जिसका नाम था मंकी, अच्छा सॉरी मंकी था जिसका नाम था एंडी, ठीक है। रोजी सीप, रोजी तुम्हारा ये था, रोजी गाय था और डेजी सिप, हाँ ठीक है भाई, फीलिंग समझो ना। नहीं, डॉली पहला क्लोन शिप है बेटा, क्लोनिंग और इसमें डिफरेंस है, नहीं बेटा पहला मंकी, पहला एंडी मंकी, ठीक है, अरे ठीक है फीलिंग समझ लो। ठीक है, उसके बाद वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी हम ट्रायल करते हैं और केमिकल सेफ्टी के लिए भी हम चेक करते हैं, इसी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये बायोटेक्नोलॉजी करने के कारण क्या होता, बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं कि मतलब हम किन ऑर्गेनिजम्स पे बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या किन ऑर्गेनिजम्स का हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एथिकल इश्यूज की कमेटी बनाए, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक एथिक अप्रूवल या अप्रेज अप्रूवल कमेटी, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बताता है भाई आप इस पे कर सकते हैं, जैसे इंसान पे कोई बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें जीएसी पे फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ सकता है। अगला, दूसरा क्या है कि दूसरा चीज होता है जिसको हम कहते हैं बायो पायरेसी, बायो पायरेसी। बायो पायरेसी में क्या होता है कि अब मेरा जो बहुत सारे कंट्रीज है जैसे अमेरिका वगैरह ये सब जो है, ये तुम्हारा क्या होता है कि चोरी कर लेता है, ये क्या करता है कि मान लो कि आया एक 1997 में कंपनी और वो बासमती राइस इंडिया से ले गया और जाके यूएस में पेटेंट करा लिया, ठीक है। तो इससे बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, इससे बहुत सारा दिक्कत हो रहा है जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसमें लिख लेना कि इंडिया में 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस है, यहाँ पे पहला पॉइंट ये, ठीक है, और यहाँ पे अमेरिकन कंपनी इसका पेटेंट ले लिया था, अभी इंडियन की ऑफिस जो है, इंडिया का जो ऑफिस है वो कोशिश कर रहा है तुम्हारा कि बायोपायरेसी से बचने में। तो यहाँ पे दो चीज आया था, इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर सेकेंड अमेंडमेंट बिल और इंडियन पेटेंट बिल किया था ताकि वो बायोपायरेसी से बच पाए, ठीक है, ताकि वो बायोपायरेसी से बच पाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया बायोपायरेसी के बारे में, हाँ जी ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, ऐसा ऐसा इसमें कुछ है नहीं, अभी कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, चलो आ जाओ। नो बेटा इट कैन नॉट बी यूज, अपना दिमाग मत लगाओ, जब साइंटिस्ट बनोगे जब कोरोना के बारे में तो एक्चुअली लोग यूज करें। देखो हम लोग अभी वैक्सीन उसके लिए बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम आरएनए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आरएनए इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा कि जो वो उसका ग्लाइको प्रोटीन का कोट है, ठीक है, उस ग्लाइको प्रोटीन कोट के हिसाब से हम वो काम करेंगे। तो कोई नहीं,
वो कर लेंगे, टेंशन मत लो, है ना, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ट्रम्प कोरोना छोड़ के गया। तुम लोग ना यूट्यूब कम देखा करो, कुछ भी बोलते हो भाई। चलो अगला, अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज इन द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। बेटा चैट में आंसर मत दो, आंसर पोल में दो, चैट में आंसर मत दो। आज मेरा पेन खराब है बाबू, तो हैंडराइटिंग आज नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं। कोरोना का लाइफ स्पैन अगर एबायोटिक सब्सटेंस पे आए तो लगभग 14 घंटे है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, आंसर इज डी। ठीक है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। चलो आओ जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तो देखो बीटी में जो बीटी है ये बैसिलस थुरिंजेनिसिस के नाम पे, तो ये गलत हो गया। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंप्लीट प्लांट सेल्स कैरिंग डिजायर्ड जीन। कंप्लीट प्लांट सेल नहीं होगा, ठीक है। एंटी कोएगुलेंट हिरुडीन जो है ये तुमको ट्रांसजीनिस ब्रासिका नेपस सीड से मिलता है, ये अभी हम बता दिए थे, ठीक है ठीक है ठीक है, ब्रासिका नेपस, ठीक है। फ्लेवर सेवर में क्या होता है, पॉलीगैलेक्ट्रोनेस का आता है, ये मैंने दिखा दिया था। नहीं बेटा, कोरोना में डेथ की परसेंटेज 2% से भी कम है, और तुम लोग जवान हो, अगर तुम लोगों को कोरोना हो भी जाता है ना तो 15 दिन में तुम लोग खुद से ठीक हो जाओगे, बिना किसी हरदर्द के, सर्दी खांसी की तरह, टेंशन मत लो। अगला, गोल्डन राइस परेशान मत हो तुम लोग, कोरोना आएगा जाएगा, तुम्हारा साल खराब करके जाएगा, इसलिए अभी सब कोरोना के चक्कर में ना पड़िए, अब नीट के चक्कर में पड़िए। ऑटो रेडियोग्राफी आज शाम में बताएंगे बाबू साहिब, रात में 10 बजे क्लास है ना, तो बताते हैं। एग्जाम्पलर का देखो हाउ लॉन्ग, हमको क्या पता हाउ लॉन्ग भाई, पूरा कंप्लीट कराएंगे अब, जितना टाइम लग जाए, रात में। तो ये अब बेटा देखो ना, जितने देर में कंप्लीट होगा वो तो पता नहीं ना, जिंदगी में पहली बार हम करा रहे हैं ऐसा मैराथन। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखो समझो एक चीज, ना यूट्यूबर्स को पता है क्या होना है, ना तुमको पता है क्या होना है, ठीक है, मतलब कि होगा या नहीं होगा। जब होगा तो सबके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, अभी जब तक कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता तब तक अपने हिसाब से काम कीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल, है ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो इस पे तो 100% करना था बेटा। कल कल यार कोई भी क्वेश्चन कब कौन सा पेपर होगा वो तो हम बता ही देते हैं टेलीग्राम पे, तुम लोग को फ्यूचर जानने का कितना शौक है भाई, कुछ भी होता है टेलीग्राम चैनल पे इंफॉर्मेशन हम दे ही देते हैं, तो क्या दिक्कत है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय, टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय।
बिल्कुल शाबाश। अभी क्वेश्चन और है, 6-7 क्वेश्चन होगा, ज्यादा नहीं है। इट इज लिंक्ड बाय डाई सल्फाइड ब्रिज। बिल्कुल, दोनों जो है वो डाई सल्फाइड ब्रिज से जुटा रहता है। ठीक है, अगला। विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय माइलोडीन इनकॉग्निशिया? ओ सॉरी, अरे गलत है, गलत है, गलत है भाई, गलत है, गलत है। पोल पोल गलत है, गलती से दब गया। हाँ भाई गलत है, गलत है। रुको रुको, सबर 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 सबर। अरे गलती से दब गया भाई। हाँ सबर कर लिया करो। राइट राइट राइट। ठीक है, तो रूट को इफेक्ट करता है माइलोडीन इनकॉग्निशिया और हेयरी रूट प्रोड्यूस करता है। अगला, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व। शाबाश। यार कोरोना, तुम लोग थोड़ा पढ़े लिखे टाइप बात करो, मतलब बायो स्टूडेंट ही हो ना तुम लोग, थोड़ा पढ़ा लिखा टाइप बात करो। कोरोना यार ऐसे कुछ है थोड़ी कि तुम मतलब बात कर रहे हो कि ठीक नहीं होगा। एचआईवी नहीं है बाबू कोरोना की, ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। ठीक है, समझो एक चीज, देखो कोरोना क्या है, एक नॉर्मल फ्लू है। थोड़ा किसी केसेस में, बुढ़े लोग हो तुम, बुढ़े हो नहीं हो ना तुम, बहुत मतलब ज्यादा इम्यून सिस्टम तुम्हारा वीक है नहीं है, तो तुमको उतना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा उसका, टेंशन मत लो उसके लिए। ठीक है, आराम से रहो और शांति से रहो। ठीक है, तुम लोग को अगर कोरोना होगा तो तुम लोग यही करोगे, 2-3 बुढ़े लोग को मार दोगे, है ना? इट इज क्यों, हाँ डेंजरस है, डेंजरस इसलिए है बेटा क्योंकि उसका जो आर वैल्यू है ना, जो स्प्रेडिंग का वैल्यू, दैट इज 2.7, मतलब कि बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो इसलिए 20 जगह। तुम लोग शांति से सो और उतना उतना दिमाग मत लगाओ। ठीक है, 29 को दुनिया खत्म, तुम लोग का ऐसे ही खत्म हो रहा है सब कुछ, बेकार पढ़ रहे हो, आराम से ऐश कर लो, दुनिया खत्म ही हो रहा है। तो ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इटली। देखो ध्यान समझो, इंडिया और इटली के बीच का डिफरेंस तो बताओ। अरे सॉरी 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 सॉरी, गलत है गलत है गलत है गलत है, मैंने देखा नहीं यार, तुम लोग ना कंफ्यूज कर देते हो, देखा नहीं। हाँ आंसर इसका गलत है, गलत 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 है, गलत है। हाँ ए होगा, हम देखे ही नहीं, पूरा पढ़े नहीं और हम डाल दिए, ए होगा। हाँ, हाई प्रोटीन है भाई, हाई प्रोटीन है। ठीक, ए कर दो, ए कर दो सब लोग। अरे हाई प्रोटीन है, यहाँ पे देखे नहीं ना तुम लोग को, वो कर रहे थे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग का आंसर देते देते ना। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो अगला, बैसिलस थुरिजेंसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स विच इंसेक्टाइडल्स। ठीक है, चलो
एग्जैक्टली ठीक है। इट बाइंड्स विद द मिड गट ऑफ इंसेक्टाइल और ये एल्केलाइन पीएच में होगा, एल्केलाइन पीएच में ठीक है। चलो अगला, क्राई वन इंडोटॉक्सिन्स किसके लिए होगा? रजनीगंधा नहीं आया बिल्कुल। अभी समझाते हैं तुम लोगों क्या लॉजिक है कोरोना का। रुको अभी 2 मिनट कोरोना का ज्ञान देंगे तुम लोगों को, टेंशन मत लो ठीक है। इट इज ड्यू टू कॉटन बॉल वॉर्म्स और कॉर्नबोरा, दोनों होता तो दोनों क्राई वन था ठीक है। ठीक है तो चलो इतना ही था, सब लोग ए मार्क कर दो, ए मार्क करो सब लोग, ए मार्क कर दो सब लोग। हाँ अटेंडेंस तुम लोग का लगा देना। चल ठीक ठीक अरे मेरे बारे में बाद में जानना बेटा, क्या दिया था क्या नहीं दिया था ठीक है। चल देखो सुनो सुनो देखो अब सुनो कोरोना के बारे में क्या है, तुम लोग देखो समझो एक चीज को, सुनो समझो कोई बात नहीं, जब गड़बड़ हो गया था सुनो 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 लीडर बोर्ड को मारो गोली आज, कोई नहीं लीडर बोर्ड, क्वेश्चन एक गलत हो गया ना तो कोई लीडर बोर्ड का पॉइंट नहीं है ठीक है। सुनो क्या है कोरोना वायरस के बारे में, तुम लोग एक चीज समझो, आपको पैनिक इस चीज के बारे में नहीं करना। इटली में लोग मर रहे हैं क्योंकि इटली का जो लिविंग सिस्टम है ना वो हमारे लिविंग सिस्टम से बहुत अच्छा था, वहां पे उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है एज कम्पेयर टू आवर इम्यून सिस्टम ठीक है। सफाई की जगह पे पहले रहे हैं, हम लोग पैदा ही गंदगी में हुए हैं तो हम लोग को घंटा कुछ नहीं हो रहा ठीक है। टेंशन मत लो इन सब चीजों के लिए ठीक है। हाँ तो एकदम लोड मत लो ठीक है, जो होगा देखो हम लोग को बस इसके एपिडेमिक को रोकना है ठीक है। तो एपिडेमिक को कैसे रोकेंगे भाई, तो हम कंट्रोल आराम से घर पे रहो, तुम लोग के लिए तो सबसे अच्छा ऑप्टिमम टाइम है, बाहर नहीं जाओ, पढ़ाई करो, सब कुछ सिस्टमेटिक से रहो और कुछ नहीं, अपना सफाई मेंटेन करो जैसे सफाई रहते हो, बस साफ साफ मेंटेन करो। ये बेचारे कोरोना के चक्कर में नॉर्मल कीटाणु मर जा रहे हैं, कल एक कहीं पढ़े थे हम ये ऐसा कुछ मीम था कि इस कोरोना के चक्कर में जो नॉर्मल बेचारे कीटाणु है वो मासूम कीटाणु मर जा रहे हैं है ना, तो इसलिए ठीक है। तो बस शांति से रहिए, इतना और ज्यादा ज्ञान मत लो ना कोरोना पे ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो ठीक है। बिल्कुल शांति से पढ़ाई करो और एकदम लोड मत लो, सुकून से रहो। एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा क्या करना भाई, अभी अभी पहले अपना काम करो ठीक है। रोज न्यूज का अपडेट लेने का जरूरत नहीं है, जो होगा अपने आप पता चल जाएगा, इस टाइम को आप अच्छे जगह से यूज कीजिए ठीक है। सेकंडली सुनो, होमवर्क करो यार, होमवर्क कर रहे हो तुम लोग, होमवर्क कर रहे हो तुम लोग यस और नो, जल्दी कब बताओ दो, होमवर्क कर रहे हो तुम लोग यस और नो, सारा होमवर्क ये कर रहे हो ना प्रीवियस ईयर एक्सट्रैक्ट, नो लो बेटा प्लीज होमवर्क कीजिए। इसको सीक्वेंस अगर फॉलो नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, एक मैंने सीक्वेंस बताया है उस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा बच्चों, इस चीज को ध्यान दो ठीक है। एग्जाम्पलर अभी हम करा देंगे, एग्जाम्पलर आज हम कंप्लीट करा देंगे, एग्जाम्पलर का टेंशन मत लो ठीक है, एग्जाम्पलर आज हम करा देंगे। एक्सट्रैक्ट और प्रीवियस ईयर करो ठीक है, आंसर्स कुछ गलत दिए हैं मुझे पता है लेकिन करो तो पहले। हाँ ठीक है आज 12 बजे एग्जाम्पलर कराएंगे, 12 PM, मैं लिंक शेयर कर दूंगा ठीक है। चलो चलो फिर मिलते हैं ठीक है बेटा, कल मिलते हैं हम लोग, बाय बाय टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट क्या गुड मॉर्निंग, चलो बाय बाय। टेलीग्राम है नीट प्लस टेलीग्राम चैनल है जिसको फॉलो कर लो, नीट प्लस, चलो बाय।